मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यं ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भारत, भरतस्य अपत्यं पुमान भारतः तस्य संबुद्धौ एकवचने भारत इति भवति। हे भारत, हे धनंजय, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यं और ताम तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख क्या है? आगमा पायिनः, सुख और दुख संसार की जो भी चीजें हैं, भोग हैं, पदार्थ हैं, उन सब के विषय में कहते हैं मात्रा स्पर्शाः। केवल सिर्फ मात्र स्पर्श होते हैं। हे कौन्ते, ये सब जगत की जितनी भी चीजें हैं वो स्पर्श होते हैं, मात्रा स्पर्शाः, स्पर्श है। शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे शीत और उष्ण हमें स्पर्श से अनुभूत होते हैं, और सुख और दुख हम अनुभव करते हैं। शीत और उष्ण की तरह ये सुख और दुख हैं, पर ये हैं क्या? मात्रा स्पर्शा, ये स्पर्श करते हैं, हमारे पास आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आगमा पायिनः, ये दो चीजें यहां पर दी है, आगम आना और अपाय विश्लेष होना, निकल जाना, आना और जाना, आना जाना, ये दोनों ही प्रक्रिया बनी रहती है। आगमा पायिनः अनित्या, ये जो सुख और दुख आते हैं जाते हैं ये मात्र स्पर्श करते हैं, और आते हैं चले जाते हैं, अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, ताम तितिक्षस्व भारत, ये जितने भी सुख दुख हैं ये स्पर्श किए और चले गए, ऐसा समझकर, अर्थात क्षणिक हैं। मात्रा स्पर्शा का अर्थ ही है क्षणिक, ये सब क्षणिक हैं। आपका समय जो 100 वर्ष का निर्धारित है वह आपके लिए बहुत अधिक है, पर देवताओं का तो 1 वर्ष भी नहीं हो पाता है। इसीलिए मान उनके हिसाब से है, और अभी अभी तो हम देखते हैं, बच्चे थे हम, पढ़ाई किए, युवा हुए, शादी हुई, नौकरी लगी, और नौकरी लगने के बाद में आज रिटायरमेंट के नज़दीक हैं हम। मैं देखता हूँ, स्मरण करता हूँ अतीत को, पीछे जब देखता हूँ मुड़ करके तो मैं देखता हूँ कल की ही तो बात है। इसीलिए इसे नित्य नहीं समझना चाहिए, ये सुख दुख अनित्य है, इसीलिए इसके विषय में पुनः पुनः चिंतन करने से हमारी बुद्धि विभ्रम में पड़ जाती है। अतएव हमारे विभ्रम नौपन पे हमारे अंदर, हमारे हृदय में, और हम इन सब चीजों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चलें, हम अपने कार्य को गति दें, जो भी हमारे को कार्य आवंटित है उस कार्य को करें। हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि हम ये काम करेंगे तो कोई पुरस्कार देगा, कोई अच्छा कहेगा। आपका यदि काम अच्छा है तो पुरस्कार देने वाला ईश्वर है।
अपने आप पुरस्कार की प्राप्ति होती है। ईश्वर जब खुश होता है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मनुष्य जब खुश होता है तो छोटी मोटी चीजें आपके पास में आ जाती हैं, वो प्रसन्न होकर के देता है। प्रायः मनुष्य तो प्रसन्न होता ही नहीं है, पर कुछ शुद्ध हृदय होते हैं वो निश्चित रूप से किसी दूसरे की उन्नति से प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों में हमारी बुद्धि ज्यादा नहीं लगी रहे, इस बात को ध्यान करें। है क्या संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो दृश्यमान हैं, उसको हम प्रमेय कहते हैं, उसको हम विषय कहते हैं। और विषय का अर्थ होता है वी उपसर्ग है और सिंह बंधने धातु है, जैसे ही से हाय जी से जय, उसी प्रकार से सी से सय बना है, ये सीकर वाला से है, सय बनेगा। जैसे ही वी नामक उपसर्ग लगता है वैसे ही वो सय सीकर वाला सय षटकोण वाले सय में बदल जाता है। और कर्ता क्या है, बांधने का काम करता है। ये जो भी विषय हैं वो हमें अपनी ओर खींचते हैं और हमें बांध लेते हैं अपनी ओर, अपने से जोड़ लेते हैं। जोड़ने का ही नाम है बांधना। आप उससे ऐसे तादात्म्य से बंध जाते हैं कि उससे उपरत होने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, गुरु के समीप जाना पड़ता है, बार बार अच्छा स्वाध्याय करना पड़ता है, बार बार हम भ्रम से दूर होने के लिए यत्न करते रहते हैं। तो ये विषय जो प्रमेय है इसी को सुख और इसी से सुख और दुख की प्राप्ति होती। तो ये सुख दुख आना जाना लगा रहता है शीत और उष्ण की तरह। इसके विषय में ज्यादा भ्रम नहीं पालना चाहिए। हम किसी भी को भ्रम से उन्नति की प्राप्ति नहीं होती है, भ्रम ही संदेह है और यह हमारी उन्नति का बाधक है। इसीलिए इन विषयों को थोड़ा सा आप यदि आत्मसात करेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति आएगी। ये जीवन शास्त्र है गीता, और जीवन शास्त्र को जितना आत्मसात करेंगे उतना ही हमारे लिए सुखद होगा, उतना ही हमारा ज्ञान विशद होगा और पवित्र होगा, शुद्ध होगा, जिससे समाज को इसका फायदा मिलेगा। और समाज को फायदा मिले यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोक मंगल की कामना हमारे यहाँ सर्वप्रथम बताया गया है। लोक मंगल के लिए हम प्रयत्न करें, इसलिए ही हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि आप सभी इस विषय में अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और तदनुरूप आचरण करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारती।